सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका शहर शहर खबर खबर में। इम्फाल में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले एक वर्ष में भारतीय खिलाड़ियों ने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। नॉर्थ ईस्ट से निकले कितने ही खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीते हैं, देश की शान बढ़ाई है। नेशनल यूथ फेस्टिवल का भी है। इसे ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए नए सिरे से सोचा जाना चाहिए। राज्यों में जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं वो सिर्फ और औपचारिकता ना बने, इसको हमने बहुत बारीकी से देखना चाहिए। जब चौतरफा इस तरह के प्रयास होंगे तभी भारत एक लीडिंग स्पोर्ट्स कंट्री के तौर पर स्थापित हो जाएगा। साथियों, स्पोर्ट्स को लेकर आज नॉर्थ ईस्ट में जो काम हो रहा है वो भी आपके लिए एक बड़ी प्रेरणा है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं आज पूर्वोत्तर के विकास को नई दिशा दे रही है। इम्फाल की नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आने वाले समय में देश भर के युवाओं को नए अवसर देगी। खेलो इंडिया स्कीम और टॉप्स जैसे प्रयासों ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है। नॉर्थ ईस्ट के हर जिले से कम 2 खेलो इंडिया सेंटर और हर राज्य में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की जा रही है। ये प्रयास खेल जगत में एक नए भारत की बुनियाद बनेंगे, देश को एक नई पहचान देंगे। आपको अपने अपने राज्यों में भी इस तरह के कार्यों को और गति देनी है। मुझे विश्वास है कि चिंतन शिविर इस दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कवायद जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के चुनाव से पहले केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ विपक्षी ताकतों को एकजुट करने के लिए सोमवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार का आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी मिलने का कार्यक्रम है। वहीं इसे सीधे तौर पर नीतीश की बीजेपी विरोधी मोर्चाबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, देखिए जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार लगातार विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, वहीं आज ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। जी, आपको बता दें कि 2024 चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल कहीं ना कहीं अब अपने एक पैतरा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने यूपी दौरे पे आ रहे हैं, जहां वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलेंगे और साथ ही साथ 2024 चुनाव को लेकर मंथन करेंगे। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं देखें तो आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन के बाद एक थर्ड फ्रंट की जो कवायद थी उसमें कहीं ना कहीं एक रफ्तार देने का काम जहां एक तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही है तो वहीं अब बिहार के मुख्यमंत्री भी इसमें पूरे तरीके से एकजुटता को लाने को लेकर अब अपना भ्रमण कार्यक्रम रखे हैं। आपको बता दें कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने के बाद वो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलेंगे। इससे साफ है कि 2024 के चुनाव को लेकर जहां विपक्षी दल अपने अपने तौर तरीकों से एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं, इससे साफ है कि नीतीश कुमार पहले भी कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश से वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो एक बिहार के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आकर और यहाँ से लोकसभा लड़ेंगे और कहीं ना कहीं वो अपने जाति के वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कवायद लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार की अगुवाई या ममता बनर्जी की अगुवाई में
थर्ड फ्रंट का गठन होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मुलाकात के बाद दोनों नेता क्या बयान देते हैं। आपको बताएं कि आज देर शाम माना जा रहा है कि नीतीश कुमार राजधानी लखनऊ आएंगे, जहां वो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ बैठकर और कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और इससे साफ है कि 2024 चुनाव को लेकर दशा दिशा भी यही तय होगी। यहां से मुलाकात के बाद वो बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ भी विचार विमर्श करते हुए नजर आएंगे। इस विपक्षी एकता में जो है बसपा सुप्रीमो मायावती बिल्कुल अपने आप को अलग रख रही है, क्या इससे कुछ नुकसान हो सकता है विपक्षी एकता में? जी, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अखिलेश यादव हाल फिलहाल में चाहे देखे तो उनके कई प्रदेशों में दौरे देखने को मिले हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में आरएलडी और आजाद समाज पार्टी कहीं ना कहीं एकजुट नजर आ रही है। तीनों दल उत्तर प्रदेश में एकजुट है और बसपा, पहले ही अगर बात करें तो आपने देखा कि 14 जनवरी को ही बसपा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें तो लोकसभा चुनाव को लेकर ऐलान किया गया था हम एकला चलो नारे के तहत अलग चुनाव लड़ेंगे और किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो साफ है कि अभी अगर स्थिति की बात करें तो सुश्री मायावती कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट के गठबंधन से बहुत दूर नजर आती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब चुनावों के निकाय चुनाव जो सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, इसका समापन के बाद लोकसभा के चुनाव में सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से जुट जाएंगे तो क्या सुश्री मायावती की बसपा भी इस थर्ड फ्रंट में सम्मिलित होती है, वो आने वाला समय बताएगा। मगर सभी राजनीतिक दल, चाहे बात करें झारखंड की पार्टी हो हेमंत सोरेन की, चाहे बात करें केसीआर की पार्टी हो, चाहे देखें तो चंद्रशेखर की पार्टी हो, चाहे बात करें तो जयंत यादव हो, चाहे बात करें टीएमसी हो, चाहे बात करें शिवसेना उद्धव गुट हो, ये सभी राजनीतिक दल कहीं ना कहीं एक हो चुके हैं और माना जा रहा है कि ये सभी दल एक होकर और थर्ड फ्रंट के तहत चुनाव लड़ सकते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। तो बता दें कि नीतीश ने विपक्षी एकता की कमान संभाली है, वहीं आज वो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे, वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी विपक्षी एकता को लेकर आज मुलाकात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को कर्नाटक के दौरे पहुंचे, उन्होंने एक बागलकोट में जनसभा की। इस दौरान राहुल गांधी ने वादा किया कि हमारी सरकार आने के बाद 2000 रुपए हर महीने हर महिला को कांग्रेस पार्टी देगी, हर महीने 200 यूनिट बिजली हर परिवार को देंगे, हर महीने 10 किलो चावल हर परिवार के सदस्य को हम देंगे, सबसे जरूरी हर महीने 3000 रुपए हर ग्रेजुएट को हम देंगे और डिप्लोमा वालों को 1500 रुपए देंगे। बता दें कि 224 सीटें वाले कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने हैं, 13 मई को नतीजे आएंगे। यहाँ सीधा मुकाबला जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच देखी जा रही है। सरकार आने के बाद 2000 रुपए हर महीने हर महिला को कांग्रेस पार्टी देगी। सर्वतना सर्व चरित्र लक्ष्मी योजना सरकार बंद मेले प्रतियोंद कुटुंब के 2000 रुपए प्रति तिंगल नाव कोड़ते हैं। 200 यूनिट बिजली मुफ्त में हर महीने हर परिवार को 200 यूनिट ग्राम ज्योति योजना प्रति तिंगलो प्रतियोंद मने के अंतर्गत कोड़ता है। अन्न भाग्य स्कीम 10 केजी हर महीने चावल हर परिवार के मेंबर को। यो तो अन्न भाग्य योजना प्रतियोंद परिवार दले प्रतियोंद सदस्य के 10 केजी अक्की अन्न कोड़ लगते। और शायद सबसे जरूरी युवा निधि 3000 रुपए महीने हर ग्रेजुएट को। बसवनाजी की सोच के वायदे किए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना की चंद्रशेखर राव नीत भारत राष्ट्र समिति सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। साथ ही भाषण के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म करने की बात कही है। उन्होंने मुस्लिम रिजर्वेशन को गैर संवैधानिक बताते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो इसे समाप्त कर दिया जाएगा। भाषण के दौरान उन्होंने तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी को लेकर भी कई बातें कही। आरोप लगाए कि केसीआर सरकार की स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। हम मनाएंगे, हम नहीं रहते हैं मजलिस से, मजलिस साहब के लिए मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं। तेलंगाना, तेलंगाना सरकार तेलंगाना के लोगों के लिए चलेगी, ओवैसी के लिए नहीं चलेगी। मित्रों, टू बेडरूम हॉल किचन की स्कीम में भी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन किया, संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। मित्रों, बीआरएस का चुनाव चिन्ह क्या है भाई, बताओ तो जरा क्या है कार, ये कार का स्टीयरिंग किसके पास है, किसके पास है, किसके पास है? अब स्टीयरिंग मजलिस के पास है तो कार की दिशा अच्छी हो सकती है क्या, हो सकती है क्या? अरे कमल को वोट दीजिए भैया, कमल को वोट दीजिए, कमल पर बैठकर महालक्ष्मी वैभव लक्ष्मी तेलंगाना। भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन फिर से शुरू हो गया है। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक सहित कई खिलाड़ी रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच गए। उन्होंने जनवरी में भी कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उनकी शिकायत पर एक समिति का गठन किया गया था, लेकिन पहलवानों को उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। पहलवानों का प्रदर्शन पार्ट टू दूसरे दिन भी जारी है। एक लड़की माइनर है, पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना एफआईआर दर्ज हुई। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी जो एफआईआर हो और अक्यूज्ड को जो है वो जो जेन्युइन सजा है वो मिले। मामला क्या था एफआईआर का और किसके खिलाफ था? सेक्सुअल हैरेसमेंट के का मामला था और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था। ढाई महीने हो गए, ढाई महीने से ऊपर ही हो गए हमें वेट करते करते, और हमें पूरा यकीन था कि सरकार हमारा साथ देगी, लेकिन तो बता दें कि ढाई महीने पहले जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती संघ के पहलवानों ने प्रदर्शन वहां पर किया था ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। वहीं पर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक सहित कई खिलाड़ी रविवार को भी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से पहुंच गए। उन्होंने आपको बता दें कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इसके पहले ढाई महीने पहले उन्होंने मोर्चा खोला था। उनके इस्तीफे की लगातार खिलाड़ी जो है मांग कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि उनकी शिकायत पर एक समिति का भी गठन किया गया था, लेकिन पहलवानों को उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। पहलवानों का प्रदर्शन पार्ट टू दूसरे दिन भी जारी है। जंतर मंतर पर फिर से एक बार पहलवानों ने धरना दिया है। लगातार वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं सामने आया है। इसके पहले एक पार्टी के टीम के गठन भी किया गया था। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर पहलवानों ने प्रदर्शन फिर से शुरू कर दिया है, जिसका आज दूसरा दिन है।
बीएसपी विधायक उमा शंकर सिंह ने कहा कि हाल ही में प्रयागराज में हुए गोलीकांड में मारे गए माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर बड़ा दावा करते हुए उन्होंने कहा कि शाइस्ता परवीन अब भी बसपा में ही हैं और दोष सिद्ध होने पर उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि बीएसपी विधायक उमा शंकर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शाइस्ता परवीन अभी भी जो है बसपा में शामिल है, उन्हें दोष सिद्ध होने के बाद पार्टी से बाहर निकाला जाएगा। वो चीजें थी, हम चूंकि अतीक अहमद को नहीं बल्कि उतनी उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन जी को हमने उसमें पार्टी में ज्वाइन कराया था और हम मेयर का चुनाव भी उन्हें प्रयागराज से लड़ाते, लेकिन तब तक ये घटना घटित हो गई और जिसके साथ वो घटना घटित हुई घटना बहुत निंदनीय घटना थी और उस परिवार के लोगों ने जिसके परिवार के साथ ये घटना घटित हुई उन लोगों ने शाइस्ता पर नामजद मुलजिम बनाया है और तब से शाइस्ता परवीन को पुलिस अभी अरेस्ट नहीं की है। ऐसी स्थिति में शाइस्ता परवीन चुनाव लड़ नहीं सकती हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का ये मानना है कि अगर कोई दोष उनपे अभी कोई इस तरह से सरकार या पुलिस के लोगों ने कोई ऐसा वीडियो या कोई ऐसा फुटेज नहीं दिखाया कि उस उनका उस घटने से सीधा लिंक हो जाए, जिस दिन अगर उनकी संलिप्तता हो जाएगी तो बहुजन समाज पार्टी ऐसे लोगों को पार्टी में रखती भी नहीं है, लेकिन आज जब तक संलिप्तता नहीं है किसी निर्दोष के साथ हम ऐसी कोई कार्रवाई नहीं किए हैं, वो हमारी पार्टी में आज भी हैं और फिर हम दूसरे को वहां पे प्रयागराज मेयर की सीट पे क्योंकि वो माइनॉरिटी समाज की थी तो माइनॉरिटी समाज के लिए हमने वो सीट को रखा था, उनका हक न जाए फिर हमने माइनॉरिटी समाज के ही प्रत्याशी को मेयर के लिए टिकट दिया है। क्या जो टिकट आपने प्रयागराज में दिया है माइनॉरिटीज को दिया है उसमें शाइस्ता परवीन का कोई सिफारिश या उनके वो लोग या उनसे उनके कोई संबंध नहीं? नहीं, शाइस्ता परवीन ये घटना के बाद शाइस्ता परवीन से कोई संपर्क नहीं है तो सिफारिश आने की कोई बातें नहीं है, उनसे कोई संपर्क ही नहीं है। जब पुलिस नहीं खोज पा रही है, स्टेफ नहीं खोज पा रही है तो फिर हम लोगों से कैसे संपर्क होगा? हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हम जो वहां पे हमारे पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने सजेस्ट करके कि ये बेहतर कैंडिडेट होंगे, इसलिए उनको हमने टिकट दिया। बता दें कि बीएसपी विधायक उमा शंकर सिंह ने बड़ा दावा किया है कि शाइस्ता परवीन को बहुजन समाज पार्टी से अभी भी निकाला नहीं गया है, वो बहुजन समाज पार्टी की सदस्य हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि वो दोष सिद्ध होने के बाद पार्टी से उन्हें निकाला जाएगा। तो उमा शंकर सिंह के तरफ से बड़ा बयान दिया गया है शाइस्ता परवीन को लेकर। बताया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन को बहुजन समाज पार्टी से निकाला नहीं गया है, दोष सिद्ध होने के बाद उन्हें पार्टी से बाहर किया जाएगा। बिजली हड़ताल मामले में आज सुनवाई होनी थी। बता दें कि प्रदेश में एक साथ लाखों बिजली कर्मी ने हड़ताल की थी, प्रदेश में 72 घंटे की हड़ताल हुई थी। आज हाई कोर्ट में होगी हड़ताल को लेकर सुनवाई होनी थी। इस दौरान पावर कॉरपोरेशन और बिजली कर्मचारी अपना पक्ष रखने वाले थे, वहीं विभाग का नुकसान विवरण भी कोर्ट में पेश करने वाले थे। बता दें कि फिलहाल हाईकोर्ट की सुनवाई टल गई है, कोर्ट ने अगली तारीख 22 मई को दी है। कोरोना के मद्देनजर सुनवाई टली है। तो बिजली कर्मचारियों की हड़ताल में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन कोरोना के मद्देनजर रखते हुए 22 मई को अब सुनवाई होगी, सुनवाई को टाल दिया गया है। 72 घंटे लगातार जो है बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल किया था अपनी मांगों को लेकर, वहीं पर इससे कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में भारी नुकसान हुआ था जिसको लेकर सुनवाई होनी थी, सुनवाई टाल दी गई है। 22 मई को ये फिर से सुनवाई की जाएगी। तो बता दें बिजली कर्मचारियों ने 72 घंटे के लगातार हड़ताल होने के बाद जो प्रदेश में नुकसान हुआ था उसको लेकर ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था जिसकी आज सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई टाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना के मद्देनजर ये सुनवाई टाली गई है, 22 मई को इसकी अगली सुनवाई होगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रितेश जुड़ेंगे। रितेश, बिजली कर्मचारियों का जो सुनवाई था टाल दिया गया है, 22 मई को अगली तारीख रखी गई है। देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग ने बहुत बड़ा यहां पर हड़ताल किया था जिससे कहीं ना कहीं 72 घंटों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में विद्युत हड़ताल की व्यवस्था की गई थी। जो विद्युत संघर्ष समिति की तरफ से हड़ताल की बात कही जा रही थी तो 2 दिन यह हड़ताल चला था। उसके बाद उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने जब हस्तक्षेप किया, मीटिंग्स बुलाई तो उसके बाद हड़ताल पर हड़ताली वापस चले गए थे, लेकिन 2 दिन का पूर्ण रूप से हड़ताल था
और हजारों कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए थे। इसमें से अगर बात की जाए तो लगभग 2500 से ज्यादा कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया गया था। और जब हाईकोर्ट में ये मामला पहुंचा, जब वहां पर एक याचिका दायर हुई, जनहित याचिका जब दायर हुई तो हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि कहीं ना कहीं यह अवमानना का केस है, जिसको लेकर के इनकी पेंशन को भी रोक दिया गया और इनकी जो सैलरी थी, जो इनकी तनख्वाह था, उसको भी रोक लगा दिया गया था। उसको लेकर के आज सुनवाई होनी थी हाईकोर्ट में, लेकिन किन्हीं कारणों के बाद सुनवाई टल गई है। अब ये सुनवाई 22 मई को की जाएगी। दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रखने के लिए आज कोर्ट में पेश हो रहे थे। अपनी दलीलें रखते वो कि आखिर उन्होंने हड़ताल क्यों किया, उनकी क्या मांगे थी, और विभाग भी अपनी तरफ से पूरी सफाई देता जो आज एक पूरा डाटा बना करके पेश किया जाता कोर्ट में कि आखिर दो दिन जिस तरीके से हड़ताल इतना बड़ा पूरे उत्तर प्रदेश में चला तो किस तरीके की समस्याओं का सामना उत्तर प्रदेश की जनता को करना पड़ा और किन किन समस्याओं का सामना पूरी जनता करते हुए अपनी दैनिक क्रियाओं को दैनिक चीजों के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ी, इसको लेकर के याचिका दायर हुई। समरी में साफ तौर पर बताऊं कि विभाग ने भी पूरी तरीके से चिट्ठा बना रखा है, जो नुकसान हुआ है, जो क्षति हुई है राजस्व को, उसको लेकर के पूरी तरीके से विद्युत विभाग जो है वो अपना एक डेटा बना करके वो पेश करना चाहता है। और विद्युत संघ समिति के जो पदाधिकारी है, जो जूनियर इंजीनियर्स है, जो अभियंता है, वो अपना एक अलग चिट्ठी बनाकर रखे हुए हैं, वो फोटो पेश करने की आज होना था, लेकिन कहीं ना कहीं सुनवाई 22 मई को अब होगी। सुनवाई आज टाल दी गई। 22 मई को सुनवाई टाली गई है, तो क्या कुछ लगता है कि बिजली कर्मचारी इससे खुश हैं कि ना खुश हैं? देखिए, कहीं ना कहीं विद्युत कर्मचारी की अगर बात करें तो उनकी 11 सूत्रीय मांगे थी। सबसे बड़ी मांग मैं आपको बता दूं कि निजीकरण का विरोध था, और जो संविदा कर्मी है जिनको 8000 रुपए वेतन मान मिलता है, उनकी वेतन में वृद्धि के लिए उनकी एक मांग रखी गई थी। तीसरी सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि प्रबंध निदेशक की चयन प्रक्रिया को लेकर के विद्युत विभाग कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सजग रहा, और कुछ तरीके की उनकी 11 मांगे थी, उन मांगों को लेकर के लगातार ये लामबंद हुए, और लाखों कर्मचारी पूरे उत्तर प्रदेश में अगर देख बात की जाए तो हड़ताल पर चले गए थे। वो व्यवस्था इस तरीके से चरमरा गई थी विद्युत विभाग के जो कर्मचारी थे, कहीं ना कहीं जो मुख्य अभियंता रहे, जो यहाँ पर कुछ अधिकारी रहे, उन्होंने 2 दिन मोर्चा संभाला, जब मंत्री ने हस्तक्षेप किया उसके बाद तब कहीं जा करके हड़ताली कर्मचारी अपने काम पर लौटे थे। फिलहाल तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि 2 दिन में सारी व्यवस्थाएं अस्त हो चुकी थी, जो फैक्ट्रिया थी वो कहीं ना कहीं बंद होने की कगार पे आ गए थे, क्योंकि 2 दिन तक अगर लाइट ना रहे उस जगह में तो दैनिक जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अवरोध उसमें उत्पन्न होता है। इसके लिए हाईकोर्ट पूरी तरीके से सख्त हुआ। हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से विद्युत विभाग के जो कर्मचारी थे उन पर अवमानना का केस जारी करते हुए गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया, जो उनके नेता थे उनके ऊपर। उसके बाद अब ये केस चला, सुनवाई लगातार चल रही है, सुनवाई 22 तारीख को होगी। फिलहाल अभी दोनों पक्ष अपनी दलीलें पेश करेंगे, उन्होंने हड़ताल क्यों किया, अवमानना का केस होने के बाद फिर आखिर विद्युत कर्मी इस तरह हड़ताल पर गए, इतनी बड़ी हड़ताल पर पूरी जनता को समस्याओं का खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके लिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। तो बता दें कि बिजली हड़ताल मामले में सुनवाई टाल दी गई है, 22 मई को सुनवाई रखी गई है। लगातार 72 घंटे बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल किया था, जिसकी आज सुनवाई होनी थी, कोरोना के मद्देनजर सुनवाई टाल दी गई है, 22 मई को ये सुनवाई रखी गई है। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।